आरक्षण की तरफ पीछे जाओ। हमारे मध्य पधार चुके हैं। अरे थोड़ा पीछे है, ये छतरी तो मैं आराम से है। पुलिस प्लाटून का और से गूंजता रही गगन स्नेह नीर से सरकार का अंतर्राष्ट्रीय विमान प्रतियोगिता के लिए चयन पश्चात प्रतिनिधित्व किया नितिन बंजारा यहाँ नहीं है। बना रहा है, हम सब लोग भी बना रहे हैं। मैं पूरे प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और उसके साथ साथ आज पवित्र रक्षाबंधन का दिवस भी है तो दोहरी खुशी पूरे प्रदेशवासियों के लिए है। तो प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं हैं। आज के दिन हमारा देश ब्रिटानिया हुकूमत से हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने महान संघर्ष के बाद महात्मा गांधी जी की रहनुमाई में हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई थी और आज हमारे लिए संकल्प का दिन भी है कि जो 72 साल की आज़ादी के हमारे गुजरे हैं, जिस तरह हमारे देश का जो ताना बाना है, अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग, अलग अलग खान पान वेशभूषा, इस देश को एक और अखंड रखें हम, इस बात की हमारे लिए प्रतिज्ञा का दिन भी है ये। और देश के सामने जो चुनौतियाँ हैं, चाहे वो सांप्रदायिकता की है, आतंकवाद की है, सीमा पार से चुनौती है, अनेक चुनौतियां जो देश में आज भी विद्यमान है, हमारी नई पीढ़ी आज़ादी के महत्व को समझे और हम सब देशवासियों में इस देश को एक और अखंड रखने का जज्बा पैदा हो, हम सब प्रेम और भाईचारे से रहें, सौहार्द के वातावरण में कैसे देश को आगे प्रगति के रास्ते पर ले जाएँ, ये भी हमारे लिए संकल्प का दिन होता है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारा प्रदेश निरंतर तरक्की करे, देश तरक्की करे और आम आदमी के जीवन में खुशहाली आए, यही हमारी कामना रहती है। स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामना। आज जिस हर्षोल्लास के साथ तमाम लोगों ने जो स्वतंत्रता दिवस को जो बनाया, जिन लोगों को आज पारितोषित किया गया, सम्मान किया गया, मेरी तरफ से सबको बधाई और सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि ये जो स्वतंत्रता की साथ ही जो आज के दिन स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ जो रक्षाबंधन का जो पर्व है, मैं रक्षाबंधन के पर्व में भी अजमेर के तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और बधाई देने के साथ कल्पना करता हूं कि रक्षाबंधन का सूत्र हम इस बात के लिए भी बांधें कि जो स्वतंत्रता की वेला है वो हमेशा फलीभूत हो, आगे बढ़े और देश हमारा प्रगति करे और देश का संसार के अंदर नहीं, हमेशा जैसे पूर्व नाम ऊपर था वैसा नाम हमेशा रहे, इसलिए लोकतंत्र की बधाई, रक्षाबंधन की बधाई और विगत दिनों जो ईद थी उस ईद की भी बधाई। समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आज हमें पटेल मैदान अजमेर में जनाब रघु शर्मा साहब के हाथों द्वारा सम्मानित किया गया। पिछले 20 सालों से हम लोग अजमेर शहर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कल्याण संस्थान के बैनर तले काम कर रहे हैं, जिसमें पर्यावरण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। माय नेम इज़ रिया गुप्ता, मैं सोफिया कॉलेज अजमेर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मुझे शूटिंग में आज डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है और माय पेरेंट्स आर विद मी। मैं पूरा क्रेडिट मेरे पापा मम्मी को जाता है बिकॉज उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और अभी तक कर रहे हैं। आई गेस फ्यूचर में भी मैं और सारे अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड जीतने वाली हूँ। एंड माय कोच आल्सो, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया मुझे इस लेवल पे पहुंचाने के लिए। एंड आई वुड सजेस्ट ऑल द यूथ ऑफ द सिटी कि प्लीज़ आप स्पोर्ट्स में जाइए, बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक स्पोर्ट्स आपकी लाइफ में होना पैरेलल टू योर स्टडीज़। थैंक यू सो मच।